Hello guys and welcome back to my channel. Before going out and I will tell you about like cultural shock India versus Germany, I welcome you all and I just wanted to tell you this particular video is sponsored by Riva. Riva is a digital banking platform for all the migrants who live in Europe. And I myself using this particular platform since long, so I thought let me recommend you. You just check their website, that is www.rivaya.com, and I will tell you some of the quick features about this platform so that you are aware of some good things about the Rivaya. So if you're looking for some best excellent FX rate, so I would recommend you should use Rivaya. And you need to transfer money to countries like Nigeria, India, Philippines, Nepal, etc. So you should use. So Rivaya is the best platform to use. Rivaya is a new bank app and that provides financial services to migrants. And it is super safe to use. See, I'm using Rivaya. This looks like this. App looks like this. See, app looks like this. And it is super safe to use because they have all the licensing which is required to operate in Europe. And as a customer, I would say that this is super safe to use and very easy to use. The best part is very easy to use. With Rivaya, registration is very easy and you will get a free IBAN number, like European IBAN account, and free debit MasterCard, local and international money transfer, and much more. Also, the best thing is you are getting two transfers free if you registered using the link which I am providing in the description box. Loading is very quickly using MasterCard, Visa card, and use instant bank transfer and the quick transfer. And you wanted to try it free, like free transfer, you wanted to enjoy free transfer, then use it and let me know your comment and your feedbacks. Now let's go to video. So guys, welcome back to our channel. और हम लोग आपको आज जो कुछ cultural shock है India versus Germany वो दिखाने के लिए जा रहे हैं. तो ऑफकोर्स हमें बाहर जाना पड़ेगा और आपको विद एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा. हमको बहुत सारे इंडियंस जो जर्मनी में रह रहे हैं उन लोगों ने हेल्प किया. तो अब धूप है क्या? हाँ यार, किससे धूप? भागो छाव में. हाँ छाव में भागते हो. यहाँ सही है, यहाँ पे छाव है, यहाँ बैठेंगे अपन. आ जाओ. लेकिन इनके साथ क्या है सुरभि? हाँ? ये तो हमारा हो गया, हम छाव में भाग रहे हैं. यहाँ उल्टा देखने को क्यों मिल रहा है? अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, जब यहाँ पर धूप होती है, लाइक धूप जैसे ही निकलती है, यहाँ लोगों का क्या माहौल होता है वो आप इस तरफ देख सकते हो. संडे को जब मतलब धूप नहीं होती और मौसम बुरा होता है तो यहाँ पर लोग घरों में रहते हैं और ये पूरा जगह जो है वो खाली रहती है. पर अभी आप देख रहे होंगे पीछे बहुत सारे लोग हैं और जितने भी बाहर वाले रेस्टोरेंट्स हैं, बाहर टेबल्स लगे हुए हैं, सब पे लोग भरे पड़े हुए हैं. चलो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ. ये पहला कल्चरल शॉक था जो ऑफकोर्स इंडियंस के लिए, आई थिंक सब इंडियंस ये सोचते ही होंगे कि ये धूप के लिए इतना पागल होने वाली कौन सी बात है. तुम सोचते हो दीपक ऐसा? हाँ यार बिल्कुल, मतलब बड़ा हम जब धूप का वर्ड नाम सुनते हैं ना तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, पसीने आ गए धूप में. साला दीपक मुझसे कह रहा है कि यार अब मुझे छाव में चलना है. कौन पकड़ के जाओ. और देखो बाकी के लोग तो उसमें जा रहे हैं, छाव में जा रहे हैं. देख लपट भर गए. मतलब जब ठंड थी तो हम बोलते थे ठंड. अब ठंड में जरूर हम थोड़ा बहुत धूप के लिए खिलसते हैं, लेकिन ये तो गर्मियों में भी पागल हैं भाई. कितनी तेज धूप हो, कितनी तेज गर्मी हो, पड़े रहते हैं बाहर जून जुलाई में. चलो हम आपको थोड़ा दिखाते हैं लोगों. पम 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 प
पहला कल्चरल शॉक दिखा सुनाया, आपको कैसा लगा? आपको ऐसा लगता है कि ऐसी भी दुनिया है? चलो अब हम आपको सेकंड कल्चरल शॉक बताते हैं और वो है अबाउट, रुको, हेलो, क्या मैं इसे जानती हूँ? क्या मैं आपको जानती हूँ? I should put it more again. क्या मैं आपको जानती हूँ? पागल. हाँ, तो यही है सेकंड कल्चरल शॉक, जो मतलब अगर कोई खूबसूरत सी लड़की आपको, मैं बताता हूँ क्या है. हाँ, एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, जैसे हमारे यहाँ क्या, और लोग अननोन लोगों से है हेलो या ये सब नहीं करते, मतलब क्योंकि पता नहीं क्या रीजन है, जनता बहुत है जो भी परेशान हो जाएंगे. यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोग अनलोन मतलब आपकी पहचान के लोग भी नहीं है, वो भी एक दूसरे को हेलो हाय बोल देंगे, गुड मॉर्निंग वगैरह बोल देते हैं. ऑफिस में तो बोलते ही, ऑफिस में तो हम, मैं जब इंडिया में ऑफिस में था तो हम बस जो जान पहचान के हमारी टीम वाले थे बस उनसे ही जाके हाय हेलो गुड मॉर्निंग हाउ वाज वीकेंड बोलते थे. यहाँ पर कोई भी आपको ऑफिस में मिलता है सबसे गुड मॉर्निंग हेलो हाय हाउ आर यू सब बोलते हैं एक दूसरे से. इवन बाहर भी कई बार कई अच्छी सुंदर लड़कियां आपको देख के मुस्कुरा के हेलो बोल के चली जाएंगी, तो इसका मतलब ये नहीं पीछे पड़ जाओ लाइन दे रही है, लाइन दे रही है. बिल्कुल नहीं. इवन अच्छे लड़के, खूबसूरत से लड़के, हैंडसम लड़के भी अगर आपको हेलो बोल रहे हैं, दैट मींस कि ये इनका पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइक ग्रीटिंग, लाइफ स्टाइल है ऐसा. हाँ, उनको ग्रीटिंग करना है, चाहे आप अननोन हो चाहे आप कोई भी हो. और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तो सेम सिचुएशन मेरी थी. मैं हमेशा उन्हें देख के वियर्ड फेसेस बनाती थी, अरे यार मैं इसे जानती हूँ क्या, ये मुझे हेलो क्या बोल रहा है, ये मुझे लाइन तो नहीं दे रहा कहीं. पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे शॉक की तरफ. तो शॉक दिखाने के लिए केले पे बैठे, केले पे बैठे. ओके, थर्ड शॉक. थर्ड शॉक बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप लोग यहाँ पर हो और अगर आप किसी भी जिम में गए हो या किसी सोना में गए हो या किसी स्विमिंग पूल में गए हो और अगर उसके वॉशरूम में आपको नंग पना दिखे, बदतमीज ऐसा नहीं बोलते, बहुत सारी फैमिली ऑडियंस देखती है, तो घबराइएगा नहीं, ऐसे नहीं बोलते, बहुत सारी फैमिली ऑडियंस भी है. अरे नंग पना मतलब नंगे लोग दिखे तो उससे घबराइएगा नहीं. एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना, जो सोना होता है ना, सोना इंडिया में तो इतना ज़्यादा कल्चर है नहीं, मतलब जनरली एवरेज मिडिल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिलीज में सोना में यहाँ पर क्या होता है, न्यूड जाना पड़ता है, मैंडेटरी, आपको बिना कपड़ों के ही अंदर जाना है, कुछ भी नहीं. और कई सोना ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, उसमें लेडीज़ जेंट्स सब साथ में रहते हैं, तो भाई साहब पता नहीं हिंदुस्तानियों के लिए तो बड़ी मुश्किल वाली चीज़ है वो, मतलब बड़ा घुसना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ही वियर्ड है. तो बहुत सारे इंडियंस ने मुझे ये कमेंट किया है कि उनके लिए बहुत वियर्ड सिचुएशंस हो जाती है जब वो वॉशरूम में होते हैं, किसी फिटनेस स्टूडियो में, या फिर वो स्विमिंग पूल के वॉशरूम्स में होते हैं, या फिर वो सोना में होते हैं, बच्चों के साथ बहुत वियर्ड सिचुएशंस हो जाती जिम का तो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ. जिम बताओ, जब मैं फर्स्ट टाइम जिम गया था यहाँ पर, ज्वाइन किया मैंने. हाँ. और चेंजिंग रूम में गया तो अंदर घुसा टॉय सारे बिना कपड़ों के खड़े वहाँ पे, मैं झटका लग गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई. फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये बड़ा कॉमन है, मतलब जिम में आप जाओगे ऐसे कोई भी कपड़े उतार के ऐसे ही चेंज करने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है. तो ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ा अजीब है, इवन बात करने में भी हमें बड़ी झिझक सी शर्म सी आती है. लेकिन यहाँ पे इमेजिन दैट थिंग कि आप किसी वॉशरूम में जा रहे हो और सब खुला खुला है, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमारा कल्चर वैसा नहीं है. तो इनके लिए बड़ा कॉमन है, बड़ा मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, बिना कपड़ों के कोई भी ऐसे ही चेंज कर लेते हैं जाकर, ऐसे ध्यान भी नहीं देते हैं कोई किसी पर. लेकिन ऑब्वियसली हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, क्या करो इस सिचुएशन में. तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था जो मुझे लगा था. मुझे भी. तो अगर आपको भी लगे तो नीचे कमेंट जरूर छोड़ना कि ये कल्चरल शॉक सुन के आपको शॉक हुआ कि नहीं. चलो जब तक हम दिखाते हैं आपको फोन. तो आपने देखा ये बहुत कॉमन है यहाँ पर, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको शायद
यार ये ना मेरे को बड़ा अजीब लगा था जब मैं पहली बार आया, मैं ऑफिस में बैठा, ऑफिस छोड़ो खाने में, कैंटीन में बैठा लंच टाइम में, और कैंटीन में बैठे बैठे हमें क्या जुकाम वुकाम होता है या सर्दी होती तो करते रहते हैं या हम बाथरूम में जाके क्लीन करके आ जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ऑफिस की कैंटीन में बैठा हुआ था, सब खाना खा रहे जनरली नॉर्मली लंच टाइम पर, और बगल वाले ने ऐसे रुमाल निकाला चिर चिर करके और पॉकेट में रख लिया। और ये बहुत नॉर्मल है, मतलब कि बहुत नॉर्मल है, मतलब बहुत सीनियर है। आपको जर्मनी में तो हर जगह ये देखने को मिलेगा, आपको बड़ा कॉमन ट्रेन में हर जगह कोई ऐसे कर और ऐसे करके पॉकेट में रख लेते हैं। और अगर आपको तकलीफ है और आपके पास उन्हें ऐसा लगे कि आपके पास शायद नहीं है, अगर आप जुकाम बैठे बैठे सर्दी में ऐसा कर रहे हैं ट्रेन में, तो आपको वो टिश्यू पेपर दे के चले जाएंगे, लो भाई। तो ये डेफिनेटली एक बहुत अलग चीज थी जो देखने को मिली, जो हमारे यहाँ नहीं होती है। ऐसी बहुत बड़ा शौक था। आपको ये शौक लगा कि शौक है या नहीं, मतलब हमारे यहाँ भी लोग ऐसे छिनक देते हैं कहीं पर, गंदी लड़की पर यहाँ पर उसे छिनकने के बाद जेब में भी रख लेते हैं। पता नहीं क्या करते हैं उसका घर जाकर। ओके ओके, आज एक जर्मन फ्रेंड है मेरी, उसका बर्थडे है, चलो उसको चल के विश करते हैं, जो एक्चुअली जर्मन है नहीं। हाँ उसका बर्थडे कल है, उसी ने अभी बताया। आओ, हैप्पी बर्थडे यूलिया। ओह नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू से दैट। कौन भाई, हमारे यहाँ तो दो दिन पहले से लोग तैयारी करने लगते हैं। बैड लक। लो ये एक और नई यहाँ की कहानी। तो होता क्या है भाई साहब, क्या होता है सुरभि यहाँ पर, अगर आप पहले से किसी को एडवांस में विश करते हो तो वो बहुत बुरा माना जाता है। शायद वो ये सोचेंगे आपके बारे में कि तुम कितने बदतमीज आदमी हो जो तुमने एडवांस में विश कर दिया। तो ये कभी मत करना यहाँ पर आके। हमारे इंडिया में हम लोग एडवांस में बहुत सारी चीज़ें विश कर देते हैं और बर्थडे तो बहुत कॉमन है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो लोग बैड लक मानेंगे और वो शायद ये मानेंगे कि उनका ये वाला पर्टिकुलर बर्थडे अच्छा नहीं जाएगा, और जिस तरीके से मैं रोई हूँ शायद वो वैसे ही रोएंगे और अपने आप को कोसेंगे कि अब इस वाले पर्टिकुलर बर्थडे में मेरा बहुत ही बुरा दिन या बैड लक होगा। तो डोंट डू दिस। हाँ लेकिन अगर आपको किसी का रायता फैलाना हो तो कर दो ना एक एडवांस में जाकर। कल्चरल शॉक बताते हैं। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और जैसा कि ये लोग करते हैं, दीपक ने अपना ऑर्डर किया है, मैंने अपना ऑर्डर किया है, ठीक है आप वेट करो इसके आगे क्या। बड़े ड्रामे है यार यहाँ। तो दीपक तुम अपना बिल पे करोगे? मैं तो अपना दूंगा, तुम अपना दो, अपना तू तेरा मैं मेरा। यहाँ क्या पति पत्नी भी अपना अपना बिल पे कुछ कर? पति पत्नी भी देते हैं भैया अपना अपना, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो तो देते ही देते हैं। और अगर जैसे तुमने मुझे कॉफी पे बुलाया कि चलो लेट्स मीट फॉर कॉफी, और अगर अपन दोस्त हैं तो भैया तो अपने लेकर आओ जेब में पैसे डाल के अपना अपना देते हैं सब लोग। इवन मैं तो, मेरे को बुलाया था एक बार कुछ दोस्तों ने पार्टी के लिए, मैं पहुंच गया, मुझे लगा यार ठीक है इन्होंने बुलाया पार्टी। अच्छा अभी जो जब वेटर आएगा पूछने के लिए तो क्या क्या होगा? वो पूछता है आकर कि साथ में बिल देना है या अलग अलग बिल देना है, और यहाँ जो बहुत कॉमन है यहाँ पर सभी जगह पूछते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन। हमारे ऑफिस की पार्टी जब भी होती है, हम अगर 25 लोग भी जा रहे हैं तो 25 लोगों के पास जाके उनसे उनका अलग अलग बिल लेते हैं। और इंडिया में क्या होता है, जो बुला रहा है उसकी जिम्मेदारी, चाहे उसके बटुआ में एक रुपए बचे तो बुलाया क्यों उसने? नहीं मतलब ये यही तो है, सही गलत नहीं पर कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस। हम लोगों ने वी आस्क फॉर बिल और दीपक अपना पे करेगा और मैं मेरा पे करूंगी, ये है यहाँ का कल्चरल शॉक। तो गाइस लास्ट कल्चरल शॉक क्या बताया था हमने? भैया सबको अपने अपने पैसे देने पड़ते हैं। तो भाई मैंने तो अपने पे करे हैं, दीपक ने अपने पे करे हैं, जब हम इस पर्टिकुलर ऐसा मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि देने देने तो पूछते हैं आपसे आकर ये बहुत बिल पे करना है अलग अलग। हाँ और ये बहुत मैक्सिमम लोग अपना अलग अलग ही देते हैं। और ये बहुत वियर्ड लगा, एक बार मेरी एक दोस्त है उसने हमें, उसका बर्थडे था और उसने बोला कि कॉफ़ी पे आना है, तो मुझे लगा कॉफ़ी पे आना है मतलब उसकी तरफ से ट्रीट होगी, लेकिन उसके बाद सबने अपने अपने पे किया तो मैंने भी पे किया। इट्स गुड कि मैं उस टाइम अपना वॉलेट लेके गई थी, बिकॉज इंडिया में हम लोगों को ऐसा लगता है अगर कोई बुला रहा है तो मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी, ये हमारे दिमाग में है। पर फिर मुझे समझ में आ गया, एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। तुम्हारे लिए
शॉकिंग तो था ही यार मेरे साथ। इसके लिए तो क्या हुआ था? हाँ तू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। हमारे तो ऑफिस की पार्टी हुई थी तो हमें बुलाया बॉस ने। मुझे आइडिया नहीं था लेकिन थैंकफुली कि मैं पैसे वैसे लेके घूमता रहता हूँ। गया सब पार्टी वार्टी हुई सबने खाया पिया उसके बाद सब अपने अपनी जेब से निकालने लग गए कि मैंने ये खाया मेरे इतने मैंने ये खाया मैंने इतने अपने आधे कंजड़पंथी लगती है पर ठीक है इनका यही कल्चर है तो वही है कुछ सही नहीं कुछ गलत नहीं सबका अपना कल्चर यहाँ का ये है सिस्टम। एंड ऑफ दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो रिवायर की लिंक है उस पर रजिस्टर करना मत भूलना। गेट आर वेरी गुड ग्रेड्स एंड ट्राई इट यू बिकॉज यू आर गेटिंग 2 फ्री लिंक्स तो उसका यूज़ कर लो एंड कमेंट करो हाउ यू लाइक दैट एंड हाउ यू लाइक दिस वीडियो एंड बाय टाटा बाय बाय नेक्स्ट टाइम। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉग इन नहीं किया है तो लॉग इन कर लेना। वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस।